हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आयो परफॉर्मेंस गुड, एवरीवन इज फाइन। तो आज हमारे पास है टीवीएस का इलेक्ट्रिक आईक्यूब स्कूटर, जो कि जिसकी बारे में अपन बात करने वाले आगे चल करके। इसके अंदर क्या क्या फीचर आते, कितने कलर ऑप्शन मिलते, क्या प्राइस रेंज होता है, कितने ये रेंज होती है इसमें, कितना मतलब एक बार चार्ज करने पर कितना स्कूटर चल जाता है, सारी चीजों की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टीवीएस आईक्यूब में मिल जाते हैं हमें 7 कलर ऑप्शंस। आप अपनी मनपसंद से अपना कलर चूज कर सकते हो। मैंने जैसे स्क्रीन पर भी डाले कि 7 कलर ऑप्शंस यहां पर अपन को देखने को मिलेंगे। और बैटरी की बात करें तो 3.04 kWh की बैटरी यहां पर मिलती है, जिसके साथ आती 3 ईयर की अनलिमिटेड वारंटी। अपन जैसा भी खराब हो, बैटरी का कम बैकअप होने लगे तो अपन चेंज करवा सकते, रिप्लेस करवा सकते कंपनी के में। और चार्जर को यहां पर प्लग इन करके अपन कर सकते इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज। और इसको चार्ज होने में लगते 5 घंटे। और 100% चार्ज होने के बाद इसके इको मोड की रेंज आती है 105 किलोमीटर। और जबकि पावर मोड पे अगर अपन इसको स्वैप करेंगे तो इसकी रेंज आती है 70 किलोमीटर या 75 किलोमीटर ये चल जाता है। और कंपनी इसका मैक्स पावर क्लेम करती है 4400 वाट, बट इसका रेटेड पावर है 3000 वाट, इसका मतलब कंपनी क्लेम करती है। अब इसकी बात करते हैं मोटर टाइप की, तो हब माउंटेड और इलेक्ट्रिक मोटर इसके अंदर अपन को देखने को मिलेगी। फ्रंट सस्पेंशन की बात करते तो टेलीस्कोपिक फोक्स यहां पर देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद बात करते हैं फ्रंट ब्रेक्स की, तो 220mm डिस्क के साथ यहां पर सिंगल पिस्टन कैलिपर वाले ब्रेक्स यहां पर देखने को मिलेंगे। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो मिल जाते हैं हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक अब्जर्वर, यहां पर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। ब्रेक यहां पर 130mm के ड्रम ब्रेक्स यहां पर रियर में देखने को मिलेंगे। फ्रंट एंड रियर टायर का साइज आता है सेम, 90-90-12 इंचेस का यहां पर टायर मिलते हैं। अंडर सीट कैपेसिटी की बात करें तो 17 लीटर का यहां पर अंडर सीट कैपेसिटी अपन को देखने को मिलेगी। यहां पर चलते वक्त अपन को अगर अपना फोन या पावर बैंक कुछ भी चार्ज करना है तो यहां पर प्लग करके अपन चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर LED हेडलैम्प्स अपन को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, DRL यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो इस तरह से कुछ अपने पास डिस्प्ले देखने को मिलेगा, TVS iQube, देन वेलकम iQube। और आपको क्या करना है ना, सबसे पहले अपना साइड स्टैंड उठाना है। जैसे ही आपको एक्टिवेट करना है ना, अगर आपको फॉरवर्ड जाना है या रिवर्स जाना है तो वो कैसे एक्टिवेट होता है आई विल लेट यू नो। जितना अपना बैटरी बैकअप है ना, 81% अपनी बैटरी बची है, तो 86 किलोमीटर इको मोड में ही अभी अपना स्कूटर चलेगा। और इसको पावर मोड में स्विच करके भी देखेंगे पावर मोड में कितना चलता है। तो इसको स्विच मतलब इसको एक्टिवेट करने के लिए, रनिंग करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट ब्रेक को प्रेस करो यहाँ से। जस्ट जैसे ही ब्रेक को प्रेस किया आपने, और ये जो मोड वाला स्विच है उसको एक बार दबा के रखना होगा 1 या 2 सेकंड के लिए, तो आपका जो ट्रांसमिशन है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, लाइक गियर लग जाएगा। तो ये आ गया इको मोड एंड पावर मोड, तो 2 तरीके मोड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट अभी है इको मोड में, जैसे ही मोड पर स्विच करेंगे तो पावर मोड में चला जाएगा। मोड पर क्लिक करेंगे तो मोड पावर मोड में अभी 61 किलोमीटर अपना स्कूटर चल सकता है और बैटरी बची 81%। यहाँ पर ऑडोमीटर आपको शो करेगा कि 80 मतलब आपका स्कूटर कितना अभी तक चल चुका है, ट्रिप ए ट्रिप बी, और एवरेज स्पीड आपकी कितनी रही है अगर आप चला रहे हो। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा। जैसे ही ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो आपको कॉल्स मैसेजेस यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे कि कैसा मतलब ऑन द टाइम आप चल रहे हो और कॉल आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कौन कॉल कर रहा है, हुज़ कॉलिंग यू। तो जस्ट इको मोड पर स्विच करते वापस से, और पासिंग का स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, टर्न सिग्नल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पर हाजार्ड का स्विच है, जैसे ही क्लिक करोगे तो हाजार्ड का स्विच काम करेगा। ये तो हो गया नॉर्मल सब कुछ। अब इसको रिवर्स मोड में कैसे चलाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये पार्किंग वाला स्विच आपको दिख रहा होगा पी करके, तो ब्रेक दबाना होगा, पी पर प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर आ गया फॉरवर्ड। अभी जैसे एक्सेलरेट करोगे तो आप ये फॉरवर्ड जाएगा, देन इसको पी वाले स्विच को दोबारा दबाना होगा तो ये रिवर्स में आ गया, ये रिवर्स जा रहा है अभी देखो। बट ओला में क्या होता है कि ओला में आपको एक्सेलरेटर को अपना थ्रॉटल को उल्टा घुमाना होता है, बट इसमें सीधा ही घुमाना होगा तो ये रिवर्स चला जाएगा। देन उसके बाद वापस से आपको ये क्लिक करके रखना होगा पी मोड, पी मोड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो डिसेबल हो जाएगा रिवर्स फॉरवर्ड का। तो देन उसके बाद मोड का आपका स्विच दबाना है तो वापस नॉर्मल मोड पर आप आ जाओगे अभी। देन उसके बाद अगर आपको कुछ हैंग करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको पुल करके आप यहाँ पर कुछ भी अपना थैली या कुछ भी चीज़ को यहाँ पर हैंग कर सकते हो। और यहाँ पर अपने पास मिल जाता है 7 इंचेस का TFT डिस्प्ले, जो कि लगता है बहुत अमेजिंग, मतलब ट्रू कलर्स यहाँ पर शो होते हैं जैसे आप चलोगे ना, तो कलरफुल है। बाकी नाइट में इसका मतलब चेंज हो जाता है, डार्क मोड हो जाता है, और अभी डे टाइम है तो लाइट मोड इसका भी ऑन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 मोड अपन को देखने को मिलेंगे, इको एंड पावर मोड। तो लेट्स सी कि ये इको में कितना चलता है, पावर में कितना चलता है। तो जस्ट फर्स्ट वी आर ट्राइंग इको मोड, तो देखते हैं इको मोड में इसकी टॉप स्पीड कितनी होती है। जस्ट थ्रॉटल पुल किया और इसका जो टॉर्क है ना,
पावर बहुत सही है, बहुत अमेजिंग है, अच्छे से ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है। और ऐसे जैसे थ्रॉटल मारोगे ना पूरा खींच जाएगा। जस्ट अभी देखो, अभी फुल थ्रॉटल मैंने लॉक किया हुआ है और 52-53 ये चल जाता है इको मोड में। अभी तक पावर मोड इसका ट्राई नहीं किया है, तो वो भी करेंगे। ये देखो इको में 54, मतलब अभी ये स्लोप है, मतलब ढलान है एक तरह से, तो इसके लिए 53-54-55 तक भी चला जाएगा आई गेस। ये देखो 55 तक ये जा रहा है इको मोड पर। जैसे ही मैंने थ्रॉटल छोड़ा तो आपका स्कूटर, जो अपना स्कूटर है, वो इतना स्मार्ट है, रीजनरेटिव ब्रेक्स इसके अप्लाई हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होने लगती है। ये देखो पूरा स्कूटर ही रुक गया जस्ट, मतलब अभी तक ढलान थी बट ब्रेक्स लग के पूरा रोक दिया है। अभी स्विच करते इसको पावर मोड पर, लेट्स सी द पावर, मतलब ये कितना टॉप एंड तक जाता है पावर मोड पर, वी हैव टू ट्राई। एटी सिक्स से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट थिंक कि ये ऊपर जा पाएगा। मतलब 86 या 90 तक ये मैक्सिमम चला जाएगा, 85 से 90 तक अगर अपन इसको फुल लॉक करके चलेंगे तो। पर इसके जो फीचर्स है वो बहुत सही है, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, DRS मिल जाते हैं, काफ़ी पासिंग का यहाँ पर लाइट है। ये देखो पासिंग का जो स्विच है वो इधर है, हजार्ड लाइट मिल जाती है इसमें। जैसे ओला के बाद दिस इज़ माय सेकंड इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मैं रन कर रहा हूँ, जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जयपुर में ये मिल जाता है 1,24,000-25,000 का ऑन रोड प्राइस इसका जयपुर में निकल के आता है। और अपने अकॉर्डिंगली आप जैसे कहीं और से देख रहे हो तो आपको चेक करना होगा इंटरनेट पर, या फिर अपने नियरेस्ट डीलर से चेक करना होगा कि ऑन रोड प्राइस क्या है वहाँ का, बिकॉज सब जगह का RTO चार्जेस सब कुछ अलग अलग होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रेट फ्लक्चुएट होता है, रेट ऊपर नीचे होता है। तो और इसकी राइड रेंज काफ़ी बढ़िया है, मुझे इसके अच्छा लगा फीचर रीजनरेटिव ब्रेक्स, राइड रेंज इसकी बहुत अच्छी है। और इको मतलब इसमें पावर भी अच्छा है, इको मोड में 55 से ऊपर नहीं जाता है और पावर मोड में ये 80-90 मतलब 85 से 90 तक चला जाता है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा लगता है, उसके ऊपर अगला वीडियो मैं बनाता हूँ फिर। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो होगा यहीं पर ख़त्म, और मिलेंगे अगली वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।